अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड किया था वेव स्पीड का। अब इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वेव इक्वेशन के बारे में। अब वेव इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है कि हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होती है किसी वेव के। हमने उसी तरह जो साइनोसाइडल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ आता है, हम उसका एक पोर्शन ले लेते हैं, क्रस्ट, ये पोर्शन ले लें। अब इस पोर्शन में भी हमने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं डेल्टा एक्स। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसकी लेंथ एलिमेंट के हमारे पास दोनों एंड पे, हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट में भी एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और अप वाले पॉइंट में भी एक फोर्स कर रही है एफ। अब हम इसी फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो डाउन वाले का सपोज दैट हम देते हैं कि एंगल बना रही है थीटा वन, तो एंगल के सामने हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास साइन का कंपोनेंट, तो हम क्या कहते हैं एफ साइन ऑफ थीटा वन। और जिस साइड पे एंगल बना रही है उसका कॉस का कंपोनेंट है, वो क्या है एफ कॉस ऑफ थीटा वन। सिमिलरली हमारे पास जो अप में फोर्स है इसको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। सपोज दैट हम कहते हैं ये एंगल बना रही है थीटा टू, तो एंगल के जो सामने वाली साइड है ये अप में जा रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अप में इंटू एफ साइन ऑफ थीटा टू, और जिसकी ऊपर ये एंगल बना रही है वो कितने है एफ कॉस ऑफ थीटा टू। तो ये हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अगर हम लीनियर डेंसिटी की बात करें तो लीनियर डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास हम केस लेते हैं कि हमारा जो मैस है वो स्मॉल, इस लेंथ एलिमेंट का एक स्मॉल मैस है, जो कि हमारे पास डेल्टा एम डिवाइडेड बाय हमने इसकी लेंथ ले ली है डेल्टा एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब हमारे पास इसकी फोर्सेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बात करें तो हमारे पास एफ का थीटा जो है वो हमारे पास लेफ्ट पे लग रही है, और एफ का थीटा वन और एफ का थीटा टू जो है वो राइट पे लग रहा है। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के फैक्टर को कैंसिल आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट में बात करें तो ये इनका ये है कि इनका जो रोटेशन एक्सिस है वो एक पॉइंट के ऊपर है, तब ये ऐसा काम कर सकती है। लेकिन वर्टिकल जो है ये एक एक्सिस में नहीं है हमारे पास, एक का गैप हमारे पास है और दूसरे का भी हमारे पास है, एंगल चेंज है, तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज है। अब वाला जो कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जब बात करते हैं तो अपवर्ड में जो वाई होता है वो पॉजिटिव लेता है और डाउनवर्ड में जो वाई होता है वो नेगेटिव लेता है। तो हमारे पास एफ जो है हमारे पास साइन थीटा टू, ये अपवर्ड में तो इसका पॉजिटिव साइन आ जाएगा साइन थीटा टू। फिर हमारे पास ये जो है सेकंड कंपोनेंट फोर्स का, ये डाउनवर्ड में, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी इंटू एफ साइन ऑफ थीटा टू वन। एफ वाई इक्वल टू दोनों में से फोर्स कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा टू माइनस साइन ऑफ थीटा वन। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि कोई फाइनल है और कोई इनिशियल है, तो इसे मैं चेंज की फॉर्म में लिख सकती हूँ चेंज साइन ऑफ थीटा, जनरल कोई एंगल हमारे पास थीट हो गया जो कि फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस से आ गया। अब अगर हमारे पास ये है कि व्हेन एंगल इज स्मॉल, एंगल अगर हमारे पास स्मॉल हो तो हम लोग ये मैथ की ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है थीटा के, ये आइडेंटिटी यूज़ करें तो एफ वाई इक्वल हो जाएगा एफ डेल्टा और साथ में टेन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के मुताबिक चलें, एफ इक्वल होता है एम में, एम हमारे पास है डेल्टा एम और ए हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ए वन। इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को हम कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, क्या हो जाएगा एफ डेल्टा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एम ए वन। एफ डेल्टा टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एम की जगह इक्वेशन में वन से वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारे पास हो गया म्यू डेल्टा एक्स और साथ में ए वाई। तो डेल्टा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा म्यू, फोर्स इधर आके डिवाइड हो जाएगी इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वाई कंपोनेंट है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू टाइम का स्केल, क्योंकि डबल डेरीवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है, और वाई एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये पोजीशन में हमने चेंज करनी है लॉन्ग वाई एक्सिस। ये हमारे पास हो गया, ये डेल्टा एक्स इधर डिवाइड करते हैं डेल्टा टेन थीटा ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू ओवर एफ और साथ में डेल्टा स्केयर वाई ओवर डेल्टा टी का स्केयर।
अब टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास लिखा जाता है या आप लोग स्लोप फाइंड करते हो ग्राफ में, तो ग्राफ में स्लोप होता है वाई ओवर एक्स, और उस स्लोप को आप टेन से डोनेट कर देते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू ओवर एफ इंटू पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा टी का स्क्वायर, पार्शियल टी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स जो अप्रोचिंग टू जीरो है, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल, अब ये म्यू और एफ है, अभी हमने वेलोसिटी फाइंड किया उसका रिलेशन होता है एफ ओवर म्यू, तो ये तो उल्टा है, और फिर मैं इसका स्केयर लूँ तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है एफ ओवर म्यू। अगर हमारे पास इसे इन्वर्स कर दें तो वन ओवर कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेती हूँ वन ओवर और फिर स्केयर, क्योंकि ये इसका स्केयर होगा, ये देखो ना वन ओवर भी स्केयर करें तो उल्टा हो जाएगा म्यू और एफ, तो म्यू एफ की जगह वैल्यू इन टू पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल टी का स्केयर। तो अब ये डेल्टा अप्लाई होगा तो हम इसे लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर इक्वल टू वन ओवर बी स्केयर इन टू पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल टी का स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी वेव इक्वेशन। तो एक दफ़ा पहले बात हुई थी और मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन हम बाकायदा ड्राइव करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी जिसमें हमने वेव लेना है, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट रह जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये हमारे पास ड्राइव होगा। ये हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीट हो गया, अल्लाह हाफिज़ क्लास।